अंशिका फ्रॉम टेक्सास यूएसए एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल गपशप। फ्रेंड्स, आप सबको तो रूटीन पता ही होगी, आज एक नया एपिसोड है, हमारे साथ एक नई डिवोटी है एंड एज यूजुअल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ है ऋचा गुप्ता जी फ्रॉम लुधियाना। फ्रेंड्स, ऋचा जी जो है गोलोक एक्सप्रेस की जो टीचिंग्स है लेके वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर में अपना टाइम लगाते हैं, उसके साथ साथ वो गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग भी सुनते हैं एंड अपना एक खुद का बैच भी लीड करते हैं एंड उस बैच से बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म हो गए हैं एंड वो अपनी लाइफ को हैप्पीनेस जी पा रहे हैं। तो ऋचा जी जो है एक चलता फिरता एग्जांपल है कि हम इस जेल रूपी दुनिया में हैप्पीनेस के साथ कैसे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं ऋचा जी के पास। हरी हरी बोल ऋचा जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंशिका बेटा, और आपने मेरी इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन दी। और जब आप मेरी इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मैं इसे ध्यान से सुन रही थी कि ये सच में मेरे बारे में बोल रहे हैं। और देन आई रियलाइज कि सच में देखो, गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद मतलब क्या क्या हमारे साथ जुड़ जाता है। थैंक यू सो मच बेटे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सो वेलकम ऋचा जी टू द स्टूडियो एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। तो ऋचा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने तो आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी है, पर कैन यू प्लीज फॉर्मली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? यस, व्हाई नॉट। आई एम ऋचा गुप्ता फ्रॉम लुधियाना, और बेसिकली मैं चंबा से हूँ, बट आई एम मैरिड इन लुधियाना। और मेरी मैरिज को 18 ईयर्स हो गए हैं और आई एम ब्लेस्ड विद टू चिल्ड्रन, और एक मेरा स्पेशल चाइल्ड है। और मैं अपने दोनों बच्चों की केयर भी करती हूँ और हाउसहोल्ड एक्टिविटीज भी करती हूँ, और साथ साथ में अपना बैच भी लीड करती हूँ, और ऐसे ही मेरी चीज छोटी सी लाइफ चलती है। वाओ ऋचा जी, आप इतनी सारी चीजें करते हैं, इट्स सो वंडरफुल कि आप ये सब कर रहे हैं। तो ऋचा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस हर कोई जो भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है तो उनका कोई रीजन होता है कि मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, तो आपका क्या रीजन था? आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया था, किसके माध्यम से ज्वाइन किया था एंड किस रीजन से ज्वाइन किया था? यस, तो मैं बताना चाहूंगी, मैंने गोलोक एक्सप्रेस अप्रैल 2018 में अपनी फ्रेंड रचना सूद जी के माध्यम से ज्वाइन किया था। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो जैसे ऑलमोस्ट सबका यही रीजन होता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, और ये दुख को दूर करने के लिए मैं जो ये खुशी थी वो मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढ रही थी, और मुझे उस खुशी को पाने के लिए मैंने काफी कुछ किया, जैसे किटीज डाल ली, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, शॉपिंग करनी। ये सब कुछ करने के बाद भी एट द एंड मुझे यही लगता था कि आई एम नॉट हैप्पी। तो इस खुशी को पाने के लिए ही मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया, और ये ज्वाइन करने के बाद आई रियलाइज कि सच में जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि के साथ मिलकर जुड़कर ही मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, तो ऐसा ही होता है कि जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस है वो सिर्फ भगवान के साथ जुड़ के ही मिलती है। एंड ये बहुत वंडरफुल बात है कि आप हमारे साथ 2018 से चल रहे हैं, मतलब 5 years हो गए आपको, तो आप इतने टाइम से चल रहे हैं, तो आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं? तो अंशिका, अगर मैं अपनी बात करूं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो फर्स्टली जो मैंने अपनी लाइफ में किया वो मैंने किया लड्डू गोपाल की सेवा करना। लड्डू गोपाल की सेवा करने में मेरे को इतना आनंद आना शुरू हुआ, इतना आनंद आना शुरू हुआ, और उसके साथ साथ ही जैसे मुझे भगवान ने इशारा दिया कि नहीं, अब तुम्हें मतलब गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद तुम्हें अब एकादशी व्रत के बारे में पता चला है, तो तुम्हें अब एकादशी फास्ट भी रखने चाहिए क्योंकि ये मेरा फेवरेट डे है। फिर मैंने एकादशी फास्ट रखना स्टार्ट किए, उसके साथ ही मैंने फिर अपना नाम जाप को बढ़ाया, चैंटिंग करना शुरू की है, और चैंटिंग करने से भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस फील किए हैं। और मैंने जो है साथ ही मैंने जब मुझे 2 साल हो गए ये ज्वाइन किए हुए, उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अब मैं एक बैच भी लीड कर सकती हूँ, तो मैंने अपने नियर एंड डियर वंस को भगवद गीता पढ़ाना स्टार्ट की है। और अगर मैं मतलब जब मेरी बर्थडेज होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, तो पहले तो यही होता था कि हम अपने बर्थडेज एनिवर्सरीज हम लोग होटल में जाके स्पेंड करें, तो अब मेरा यही मन होता है कि हर एक एक्टिविटीज में मैं भगवान को ऐड करूं। तो साथ ही मैंने अपने जो भी स्पेशल डेज है उसमें मैंने हवन करना स्टार्ट किया है,
हवन को मैं हवन जरूर करती हूँ, और मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, जो लोग जैसे जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके स्कूल में जाती हूँ और वहां पे भी अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, और गौशाला में जाके वहां पे भी मैं सेवा करती हूँ। तो ऐसे ही कुछ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैंने करना स्टार्ट किया है जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन की है। बहुत ही वंडरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं ऋचा जी। तो आई थिंक आपने जैसे कहा कि जब स्पेशल डेज आते हैं, बर्थडे आते हैं, तो आप हवन भी करते हैं, तो आई कैन रिलेट, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरा बर्थडे था एंड उसके लिए हमने हवन भी किया। एंड पहले तो हम नहीं करते थे, पर जब से हमने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है एंड हमने सीखा है, इन सब की इम्पोर्टेंस हमने सीखी है, तो हमें पता लगा है कि हमें अपने बर्थडे पे जो है भगवान को भी इंक्लूड करना है, स्पेशल डेज पे भगवान को भी इंक्लूड करना है। तो आजकल हम हवन भी करते हैं स्पेशल डेज पे एंड बर्थडेज पे, तो बहुत ही वंडरफुल चेंजेस फ्रेंड्स। हमें क्या लगता है कि अगर हमें डिवोशन करना है, ये तो मेरा बहुत ही बड़ा मिथ था कि अगर हमें डिवोशन करना है तो हमें कहीं जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके डिवोशन कर सकते हैं, पर अगर हम लाइक छोटी छोटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करें तो मतलब एक बहुत बड़ा चेंज होता है हमारे मतलब कैरेक्टर में। सो आई थिंक ये बहुत ही वंडरफुल है एंड बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब कर पा रहे हैं। ऋचा जी, आप इतनी सारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में? मैं तो बताऊंगी कि मेरे लाइफ में ऐसे एंगर मैनेजमेंट कम हुआ है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं अगर काउंट करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि शायद पूरा टाइम ही निकल जाएगा, बट फिर भी कुछ कुछ चेंजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट, हाँ, जैसे आपने बोला एंगर मैनेजमेंट, मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे कि पहले कुछ भी ऐसे बात होती थी तो मैं फटाफट रिएक्ट कर देती थी। सबसे पहले तो मैंने रिएक्ट करना बंद किया कि लेट इट गो। उसके बाद अगर कभी भी कुछ होना तो फटाफट मैंने फोन कॉल्स करनी अपने नियर एंड डियर वंस को, देखो मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और कितने कितने दिन है ना, आई यूज टू मतलब क्विट कि भाई मुझे खाना नहीं खाना। और ये चीजें मैंने फील की हैं कि अगर कुछ कुछ भी कोई अगर बात होती है तो वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए मेरे दिमाग में रहेंगी, अदरवाइज वो फटाफट वैनिश हो जाती है। और जो चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि जैसे पहले था कि मैं बहुत ज्यादा जैसे जो अपना टाइम था वो मैं मतलब फालतू की चीजों में स्पेंड करती थी, अपने पैसे भी जो भी मेरे है ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि जितने पैसे मेरे पास आ रहे हैं उतने ही कम है, तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पे ही स्पेंड करने हैं। तो अब मैंने उसको भी लिमिट किया है, मैं वो अपने पे कम अप स्पेंड करती हूँ, और मुझे लगता है कि जो नीडी लोग हैं क्यों ना मैं उनके साथ जिनको मतलब नीड है इन किसी भी चीज की, तो मैं वहां पे वो पैसे लगाती हूँ। और भी वैसे तो काफी मेरे में चेंजेस आए हैं कि जैसे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, मेरे को बहुत शौक था कि अगर क्योंकि जैसे बीइंग अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड तो मुझे ना मौका नहीं मिलता था कि मैं कभी मूवीज देखने जाऊं, तो कभी भी अगर मैं मतलब आउट ऑफ द सिटी जा रही हूँ तो मेरा या मुझे कभी मुझे मौका मिल रहा है, मुझे यही होता था कि हाय बस मैं मूवी देखूं जाके, तो ये भी अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं फालतू में अपना टाइम स्पेंड करूं मूवीज देखने में, पॉपकॉर्न्स खाने में वहां पे। उसमें मेरा मन करता है कि क्यों ना मैं ये टाइम अपना माला कर लूं, मैं अपनी मेरी कितनी देर चैंटिंग इसमें कंप्लीट होगी। तो इस तरह से मेरे में बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस आए हैं। बहुत ही वंडरफुल चेंजेस आए हैं आप में, एंड आप जैसे बता रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाऊँ। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की चेंजेस सुनते हैं, क्योंकि आई थिंक जब हम चेंजेस सुनते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं कि आई कैन रिलेट, कि ऐसे मेरे साथ भी पहले होता था कि मुझे लगता था कि मैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज करती हूँ, आई स्टिल डू देम, बट अभी थोड़ा लेवल में कम हो गया। एंड आई थिंक कि हम अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करें वी कैन चेंज दैट। मेरे अंदर बहुत सारा एंगर भी था बट नाउ आई एम एबल टू मैनेज इट, एंड जैसे आपने कहा कि कुछ ही घंटों तक बात याद रहती है, उसके बाद तो हम भूल ही जाते हैं कि हुआ क्या था। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे आपने अपनी चेंजेस बताए, तो इन चेंजेस को ऐसा लगता है सुन के कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। तो आपका कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ये संशिका, एक्चुअली में आफ्टर जॉइनिंग गोलोक एक्सप्रेस मेरे साथ भी बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस जो मैं ये बोलूंगी वो ये हुआ कि मैं
मुझे एक, मैं कभी वृंदावन नहीं गई. सबसे पहले तो ये हुआ कि मुझे वृंदावन जाने का मौका मिला, और मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कि हम यहाँ पे बिहारी जी को कोई ड्रेस भी चढ़ा सकते हैं. और मुझे वहां पे एकदम से, मैं खड़ी हूँ और मुझे वहां पे जो उनके वो जो गोस्वामी जी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप मंदिर में आ जाना. तो मैं वहां पे जब मंदिर में, उन्होंने कहा कि आप 1:30-2 बजे आ जाना, जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो आप VIP गेट से आप एंट्री कर लेना. और जब मैं वहां पे, जब मैं एंट्री करती हूँ, तो मुझे ये पता चला कि उस टाइम पे जो है, जो भी परिवार ने, जिसने ड्रेस चढ़ाने की सेवा ली होती है, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप भी इनके साथ बैठकर बिहारी जी को ड्रेस चढ़ाओगे. तो मैंने, मतलब मैं हैरान, मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि क्योंकि आई थिंक इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी होता है, तो कभी भी मैं ये सोच नहीं सकती थी. लेकिन देखो भगवान की कितनी कृपा हुई है, मैं वहां पे बैठ के मैंने उनके साथ ड्रेस चढ़ाई, भगवान के जो चरण पादुका थे उनको भी मैंने टच किया, और इत्र भगवान का, जो मुझे बड़ा शौक था कि भी मैं भगवान को इत्र चढ़ाऊं, तो वो इत्र भी मैंने अपने हाथ यूं करके ऐसे किए, तो उन्होंने इतना ज्यादा इत्र मेरे हाथ में डाला, और वो सारा मैंने वहां पे बिहारी जी की चौखट पे मला. तो मुझे अभी रिसेंटली, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है, कि मुझे भगवान की इस तरह से सेवा करने का मौका मिला. इतनी अच्छी डिवाइन एक्सपीरियंस आपने सुनाया, ऐसा लगा कि कभी कभार हमें पता भी नहीं होता कि ये डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, पर जब हम फिर उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है ये तो हमारे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ और हमें पता भी नहीं लगा। एंड जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जब से हम जुड़े हैं तो हमें लगता है कि हर दिन एक डिवाइन एक्सपीरियंस बन जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऋचा जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि जब पहले आपके साथ डिफिकल्ट सिचुएशंस आते थे तो आप उनके साथ कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे डील कर सकते थे आप उनके साथ, एंड अब जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं। देखिए, अगर मैं अपने पास्ट की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता था मैं एक ऐसा इंसान बन चुकी थी कि जो हमेशा एक कंधा ढूंढता था रोने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कोई भी, अगर किसी भी तरह का, अगर मेरे पे कोई, मतलब मेरे बेटे को देख के मेरे पे अगर कोई तरस भी खा रहा है, तो फटाफट मैंने भी साथ में शुरू हो जाना, हाँ मेरी लाइफ तो ऐसे ही है. तो उसके कारण क्या हो गया कि मैं सच बोलूं तो मैं खुद एक टाइम पे डिप्रेशन पे चली गई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि इस लाइफ को लीड करने का कोई मतलब ही नहीं है. मुझे लगता था कि मैं इस धरती पे बोझ हूँ, कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है. तो इतनी हार्ड सिचुएशन में मैं थी एक टाइम पे. बट मैं सच बोलूं, अब अगर मैं वही रिचा हूं, वही मेरे सरकमस्टांसेस हैं, लेकिन अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ से ही इतना प्यार हो गया है. मुझे अब वो लोग ज्यादा ज्यादा दिखते हैं कि जिनके पास वो चीजें भी नहीं है जो मेरे पास है. और अब भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे माध्यम बनाया कि मैं कितने लोगों के साथ जुड़कर मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, कि जो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना, उनको मैं मोटिवेट कर रही हूँ. और मुझे खुद लोग देखकर बड़ा इंस्पायर होते हैं कि भाई इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहकर भी कैसे आप इतनी सेवा कर लेते हो, और आप खुश बेसिकली, है ना. अब मैं फील करती हूँ अपने आप को कि अब मैंने खुश रहना शुरू कर दिया है. तो क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जो हमने निखिल भैया, जो गोलोक एक्सप्रेस के जो फाउंडर है निखिल भैया, उनसे मैंने यही चीज सीखी है, जो भगवद गीता का सार है, कि मुझे अपने कर्म करने हैं, अच्छे से करने हैं. मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस मुझे अपनी ड्यूटीज अच्छे से करनी है. और जब मैं ऐसा करती हूँ, तो नो डाउट अब आई कैन से कि नहीं, नाउ आई एम अ हैप्पी पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड. एक्चुअली ऐसा ही होता है ऋचा जी, क्योंकि जब हम पहले डिफिकल्ट सिचुएशन आते थे तो हम पैनिक कर जाते थे एंड देन हम कुछ भी कर देते थे उस टाइम पे। उसके बाद हम उसे सोचते रहते थे, सोचते रहते थे, सोचते रहते थे, ऐसा ही होता था हमेशा। जब भी मेरे साथ कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती थी तो मैं कोई पैनिक करके कुछ भी कर देती थी, उसके बाद उसके बारे में
पूरा दिन सोचते ही रहना है, एंड उसकी वजह से मतलब मैंने इतने अपने दिन वेस्ट किए होंगे ऐसे करते करते। पर आज फ्रेंड्स ऋचा जी ने आपको सिखा दिया कि डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे बाहर जाना है। आज आपको एक एक्स्ट्रा टिप मिल गई कि डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। फ्रेंड्स इजिएस्ट वे डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, एंड हमें अपना बस कर्म करते रहना है। फ्रेंड्स हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है, क्योंकि आपने हमें मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है, पर मैं फिर से कहूंगी कि एक ग्लास होता है उसमें पानी भरा होता है, उसमें आधा पानी भरा होता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये आधा भरा हुआ है एंड कुछ लोग कहेंगे कि आधा खाली है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड होता है कि हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पॉजिटिव। उसके बाद हमें होता है कि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई मेरे लिए कर देगा। फ्रेंड्स हमारा अपना तो भगवान के अलावा कोई होता नहीं है, कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ लोग बुरे होते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ एक पर्सन पे डिपेंडेंट रहना है एंड वो भगवान है, वरना हमें इंडिपेंडेंट रहना है एंड कुछ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। विच लीड्स मी ऑन टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि हमें बस अपने कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें बस कर्म करते रहना है कि अपने कर्म करने हैं। जैसे ऋचा जी ने कहा कि वो अपनी ड्यूटीज करते हैं और अपनी ड्यूटीज करते करते खुश भी रहते हैं। हमें अपने कर्म करने हैं एंड जो हुआ सो हो गया। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि हमें अपने आप को कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर लाना है। बहुत ही अच्छा लगा आप सुन के कि आपके मतलब लाइफ में पूरा 360 चेंज हो चुका है ऋचा जी, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऋचा जी गोलोक एक्सप्रेस तो फीचरों का भंडार है, पर आपका फेवरेट फीचर क्या है? ABCD मॉडल है ना, क्योंकि इसमें जो मैंने ये सुना था डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन, तो ये तो मुझे क्योंकि जैसे जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि यू मस्ट ज्वाइन गोलोक एक्सप्रेस, तो आई ऑलवेज से कि नहीं नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है. तो जब मैंने ये मॉडल सुना तो देन आई रियलाइज कि मैं अपना टाइम कितनी जगह वेस्ट करती हूँ. मैं जहां पर टीवी देखती थी उस चीज को मैंने नोटिस किया. फिर जैसे मैं अपने बेटे को फिजियोथेरेपी लेके जाती थी, तो जाते वक्त भी मैंने जो कार थी उसमें मैंने FM पे मैंने बॉलीवुड सॉन्ग सुने, उसको मैंने चेंज किया, वो मैंने माला में कन्वर्ट किया. फिर सुबह उठ के जब मैंने अपने बच्चों को रेडी करना, तो रेडी करने के बाद जब करते समय भी मैंने टीवी पे मैंने लाउड म्यूजिक लगा देना. तो ये सारा जो ये टाइम मैनेजमेंट है कि मुझे किस तरह से टाइम अपना यूज करना है डिवोशन में, तो अब मुझे ये फील होता है कि अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है. जैसे अगर अभी मैं सेशन भी लीड करती हूँ, ठीक है, तो मेरा बेटा 15 ईयर्स का है और एक मेरा भी 1 ईयर का है, तो दोनों को मैंने हैंडल करना है दिन में, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मुझे सेशन की कैसे प्रेपरेशन करनी है. तो इसके लिए भी मैंने टाइम कैसे अपना किया है कि मैं सुबह इसी बहाने मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, तो 4 बजे उठ के भी आई यूज टू स्टार्ट राइटिंग माई नोट्स. तो इस तरह से जो ये ABCD मॉडल है, इसमें मुझे डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन जो है इसको मैंने अपनी लाइफ में अपनाया और अपनी लाइफ लीड की है. आई थिंक ABCD मॉडल जो है गोलोक एक्सप्रेस का ABCD ही है, वो बेसिक्स है। क्योंकि आई थिंक सबसे पहला हमारा एक्सक्यूज होता है जब हम डिवोशन करने लगते हैं कि हमारे पास टाइम कहाँ है, पर दैट्स नॉट ट्रू। हमारे पास टाइम तो सबको सेम दिया है, तो अगर इतने सारे लोग डिवोशन कर पा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम तो कुछ गलत कर रहे हैं। एंड वो हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के पता लगता है, हमें नॉलेज मिलती है कि हम अपना जो टाइम है हमारे पास हम उसे मतलब फालतू की चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ऋचा जी ने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो मैं क्या कहती हूँ कि अगर हमें मतलब एक दिन में तो हम पूरा ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाएंगे कि एक दिन ऐसे ये कर रहे थे एंड दूसरे दिन हमारे पास इतना टाइम हो गया हम जाके जंगल में ऐसे रहने लग गए, ऐसा तो कभी होगा नहीं एंड एक दिन में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना टाइम मैनेज कर पाए, हमारे पास और टाइम हो, तो हमें छोटी छोटी चेंजेस बनानी है। जैसे ऋचा जी ने कहा कि वो जैसे अब पहले FM सुनते थे, अब माला करते हैं, वो पहले लेट उठते थे मतलब मैं तो पहले बहुत सोती थी, पर फिर धीरे धीरे जैसे ऋचा जी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग गए हैं अपना काम करने के लिए, तो हमें बस छोटी छोटी चेंजेस को अपनी लाइफ में अडाप्ट करना है एंड देन वो छोटी छोटी चेंजेस विल लीड अप टू बी वन बिग चेंज एक दिन। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपको ये ABCD मॉडल तो बहुत ही वंडरफुल है एंड डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन, क्योंकि ये बेसिक है डिवोशन का। अगर हम वी कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि हमें डिवोशन करनी है, हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे रहना है, तो हम कभी डिवोशन कर नहीं पाएंगे। तो आई थिंक ये ABCD मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स एंड फीचर्स ऑफ गोलोक एक्सप्रेस।
ऋषभ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि आपका स्पेशल चाइल्ड भी है, एक छोटा सा 1 ईयर का बेबी भी है एंड आपको घर के काम भी करने होते हैं, उसके साथ साथ आप गोलोक एक्सप्रेस की सेवाएं भी करते हैं, तो आप इस सब के लिए टाइम कैसे बनाते हैं? मैं टाइम इस तरह से बनाती हूँ कि वही बात अंशिका की, जहां पे मैं पहले टाइम वेस्ट करती थी है ना, तो उसको मैंने नोटिस करके अपनी लाइफ में मैंने अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट किया है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, फिजियोथेरेपी आना जाना, इसमें मेरा टाइम बच गया। फिर वहां पर जब मुझे डॉक्टर्स की वेट करनी पड़ती है, तो पहले क्या होता था, डॉक्टर्स की वेट करनी है तो चलो जी कभी किसी को फोन कर लो, कभी किसी को फोन कर लो और फालतू की गप्पे मारते रहो। अब क्या करती हूँ, मैं भजन सुनती हूँ, कोई मुझे भजन बहुत अच्छा लगता है तो मैं एक कॉपी पेन तो मेरे पास हमेशा होता ही है, तो मैं वहां पे पेन से वो मैं भजन लिखती हूँ। फिर उसके बाद घर आने आने के बाद, फिर उसके बाद जब मैंने शाम का टाइम रखा हुआ है कि मुझे वॉक पे जाना है, तो वॉक करते करते मैं क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ बाकी सब लेडीज एक दूसरे के साथ, मतलब कभी किसी की बात कर रही होती है, कभी किसी की बात, लेकिन मैं चुपचाप से मैं जो क्लास जो निखिल भैया जो लेते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग आई होती है, मैं उसको दोबारा दोबारा से सुनती रहती हूँ। तो वो सुनती हूँ, साथ में मैंने टेलीकाउंटर डाला होता है और वो मैं अपनी टेलीकाउंटर में साथ साथ में मैं अपना माला भी काउंट करती रहती हूँ, और बस इसी तरह से मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चलती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं बच्चों को जब खाना खिलाती हूँ तो चैंटिंग बॉक्स मैं लगाई रखती हूँ या महामंत्र, ये सुनते सुनते मैं बच्चों को भी खाना खिलाती हूँ, और बच्चों के साथ भी जो स्टोरीज हैं वो मैं भगवान की ज्यादा स्टोरीज शेयर करती हूँ, कृष्णा जी ऐसे करते थे, कृष्णा जी ऐसे ही करते थे। और जो मेरा लिटिल वन है, मैं जब भी हरे कृष्ण महामंत्र गाती हूँ तो वो बड़ा अच्छा डांस भी करता है। तो बस इसी तरह से मेरी लाइफ चल रही है। ये बहुत ही अच्छी आपने ये बताया ऋचा जी। मैं आपको कहूंगी कि डिवोशन जो है एक ब्लेसिंग है, जो आपने कभी सुना होगा द टर्म मल्टीटास्किंग। सो मल्टीटास्किंग कभी कभार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर डिवोशन ने हमें ऐसा एक ब्लेसिंग दिया है कि हम उसे कुछ भी काम कर रहे हो साथ में, हम डिवोशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कभी टाइम एक्चुअल में नहीं है, वी आर एक्चुअली रियली बिजी एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, हम डिवोशन को साथ में हमेशा कर सकते हैं। एंड आपने जैसे कहा कि आपका जो बेटा है 1 ईयर ओल्ड का, और जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो वो डांस करता है, वैसे मेरा छोटा सा ब्रदर भी है, वो भी ऐसे डांस करता है जब भी भजन सुनता है या फिर हरे कृष्ण महामंत्र सुनता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब सुंदर लगता है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी भगवान का नाम सुन के डांस करने लग जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऋचा जी, वैसे तो जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन नहीं किया था तो मेरे इतने सारे मित्र थे कि मेरे पास डिवोशन के लिए टाइम नहीं है, मुझे पहाड़ों में जाकर डिवोशन करना पड़ेगा, इतने सारे मित्र थे। आप भी कोई मित्र थे ऐसे? यस, मेरे भी बहुत सारे मित्र थे, लेकिन सबसे बड़ा मेरा ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको बोलूंगी सुपरस्टिशियस है ना, मेरे को बहुत बड़ा एक सुपरस्टिशियस था कि अगर मुझे कोई भी अपनी विश पूरी करनी है तो उससे पहले मुझे भगवान के साथ बिजनेस करना है। अच्छा भगवान जी, मैं 40 दिन का चलिया रखूंगी, आप मेरी ये विश पूरी कर दो। मैं सैटरडे को इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, आप मेरी ये विश पूरी पूरी कर दो। तो ये चीजें मुझे समझ में आई कि भी मुझे भगवान के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। भगवान मेरे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, जो भी मेरी लाइफ में अच्छा होगा बेस्ट होगा वही वो करेंगे। और ऐसे अब चेंजेस आए हैं कि कहाँ पहले जाते ही सिर्फ एक लिस्ट तैयार होती थी अपने विशेस की, मुझे ये चाहिए, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, लेकिन अब सिर्फ जाके अब हम जाते हैं भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनका ये श्रृंगार का मतलब मैं सबसे पहले उनका श्रृंगार देखती हूँ, उनका थैंक यू करती हूँ और बस यही कहती हूँ मुझे सिर्फ भक्ति ही चाहिए। तो सबसे बड़ा मिथ मेरा यही टूटा है कि नहीं, मुझे भगवान से कुछ मांगना नहीं है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि भगवान के साथ सिर्फ मुझे प्रेम ही करना है, वो भी निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल नहीं ऋचा जी, आपने जैसे कहा कि हम बिजनेस करते हैं भगवान के साथ, पर हमें बिजनेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम भगवान को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति मांगते हैं,
भगवान जो हमारे हिडन डिजायर्स भी होंगे, हमें खुद भी नहीं पता होगा कि हमें ऐसा चाहिए, पर भगवान वो पूरी कर देंगे क्योंकि भगवान हमारे लिए सिर्फ बेस्ट चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि हमें भगवान के साथ बिजनेस करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना पड़ता। एंड भगवान जो है मतलब हमारे लिए हमेशा बेस्ट चाहते हैं। रिचा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक अगर हम बात करते रहे तो बहुत सारे एपिसोड चले जाने हैं। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी, हमारे नए डिवोटीज के लिए एक सजेशन आप हमें देंगे? हाँ जी, मैं बस यही सजेशन दूंगी कि अगर हम इस रास्ते में चलना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमने एक्सेसिव अटैचमेंट, जो हमारे मेन जो दुख का कारण है वो यही है कि हम हर किसी से अटैचमेंट बना लेते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि मतलब अगर मैं खाना बना रहे हैं, हम एज अ हाउसवाइफ हमारी कोई तारीफ करे, अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो मेरी कोई तारीफ करे, है ना। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन छोड़नी है, और अटैचमेंट अगर असली बनानी है तो वो भगवान से बनाए। लेकिन वही है कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों से हमने अटैचमेंट नहीं बनानी है, बनानी है। जैसे हम गोलोक एक्सप्रेस में सुनते हैं इस चीज को कि हमने बाहर से ड्रामा करना है लेकिन अंदर से रामा करना है। तो वही है, बाहर से हमने अपनी एक्टिविटीज करते रहनी है, अपने पूरे सारे काम करने हैं, लेकिन अंदर से जो हमारा असली कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि के साथ ही होना चाहिए। और एक चीज की अगर हमें लगता है कि मतलब हमारी फैमिली में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भोग लगा के प्रसाद खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, और सबके लिए प्रेयर्स करें, ज्यादा रोका टोकी ना करें, और इस तरह से हम अपनी लाइफ लीड करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कि जब हमारे अंदर एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाती है, जैसे मैंने आप पहले भी कहा था कि जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो एक्सपेक्टेशन हमारा एक दुख का कारण होता है, बिकॉज व्हेन समथिंग डजंट लिव अप टू आवर स्टैंडर्ड्स हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, हमें बस अपने कर्म करते रहने हैं। एंड जैसे आपने कहा, गोलोक एक्सप्रेस हमें ये भी बताता है कि हमें बाहर से तो ड्रामा करना है पर अंदर से रामा करना है। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके रिचा जी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि आज आप हमें ज्वाइन कर पाए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टू। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए डिवोटी के साथ। सो टिल देन प्लीज कंटिन्यू टू डू योर डिवोशन, एंड आई होप कि आप सब कुछ नया ट्राई करें डिवोशन में, चैंटिंग अपनी बढ़ाएं, एकादशी का फास्ट रखें। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू देन। हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।